नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्थी रेसिपी बनाने जा रहा हूँ, वेजिटेबल रागी की रोटी। रागी एक बहुत ही हेल्थी फूड है जिसमें प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम भरपूर होता है। यह आपके पेट को भी अच्छा रखता है। आज हम इस रागी की रोटी में कुछ स्वादिष्ट सब्जियां भी मिलाएंगे ताकि यह और भी स्वादिष्ट और हेल्थी हो जाए। सबसे पहले हम रोटी का आटा तैयार करेंगे। क्योंकि यह एक वेजिटेबल रोटी है इसलिए हम पहले गाजर को ग्रेट करेंगे। मैं 2 गाजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर एक मध्यम आकार के लौकी को भी ग्रेट कर लें। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों को लौकी पसंद नहीं होती, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ इस रोटी को बनाने के बाद आप इस सब्जी को पसंद करने लगेंगे। ग्रेट की हुई सब्जियों को एक बर्तन में डाल दें। फिर एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ग्रेट करें। आप इसे बारीक काट भी सकते हैं। फिर 2 प्याज और 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट लें। अदरक, हरी मिर्च और प्याज को सब्जियों में मिला दें। 2 चम्मच नमक डालें। एक बड़े बर्तन में 2 कप रागी का आटा लें। सभी सब्जियों को रागी के आटे में मिलाएं और एक नरम आटा बनाने के लिए गूंधें। आटे को गूंथते समय बहुत थोड़ा पानी छिड़कें। ध्यान दें कि ज्यादा पानी न डालें क्योंकि गाजर और लौकी में पर्याप्त पानी होता है। आटा तैयार हो जाने के बाद इसे 15 मिनट के लिए आराम करने के लिए रख दें। एक लोहे का तवा गरम करें और उस पर तेल लगाएं। इस रोटी को बनाने के लिए हमें 1 केले का पत्ता चाहिए होगा। केले के पत्ते को स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में काटें और उस पर भी तेल लगाएं। क्योंकि रागी के आटे में ग्लूटेन नहीं होता है और हमने बहुत सारी सब्जियां डाली हैं, इसीलिए रोटी को बेलने के लिए रोलिंग पिन का इस्तेमाल करना संभव नहीं होगा। हमें केले के पत्ते पर आटे को फैलाना होगा और इसे तवे पर सेकना होगा। यदि आपके पास केले का पत्ता नहीं है तो आप एक पार्च्ड बटर पेपर का उपयोग कर सकते हैं। केले के पत्ते पर एक आटे का गोला रखें और इसे अपनी उंगलियों से छपटा करें। इसे एक गोल आकार में फैला दें। जब तवा गर्म हो जाए तो सावधानी पूर्वक केले के पत्ते को तवे पर रखें, रोटी की तरफ नीचे। इसे धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए या जब तक रोटी सख्त होने न लगे और किनारे पकने न लगे तब तक पकने दें। इसे अपनी उंगलियों से धीरे से थपथपाएं या एक फ्लैट स्पैटुला का उपयोग करें। यदि आप किचन में एक्सपर्ट नहीं हैं, तो कृपया अपनी उंगलियों का उपयोग न करें। रोटी से केले के पत्ते को धीरे से हटा दें। रोटी तवे पर बनी रहेगी। किनारों के चारों ओर और बीच में थोड़ा सा तेल या घी डालें। जब तक निचली सतह सुनहरा भूरा ना हो जाए तब तक पकाएं। फिर रोटी को पलटें और दूसरी तरफ तब तक पकाएं जब तक यह पक न जाए। दूसरी तरफ भी तेल डालें। दोनों तरफ रागी रोटी पकने में लगभग 5 मिनट का समय लगेगा। बहुत मोटी रोटी न बनाएं या फिर रोटी को पकाने में ज्यादा समय लगेगा। यदि आपके घर में अधिक सदस्य हैं तो 2 तवे का उपयोग करें। इससे प्रक्रिया तेज हो जाएगी। रोटी को गर्म रहते हुए खाना बेहतर है। यदि यह ठंडा हो जाता है तो यह सख्त हो जाएगा। आप रागी के आटे के बजाय चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब यह रोटी हमारे घर में बनाई जाती है तो मेरी माँ आटे को केले के पत्ते पर फैलाती हैं और मेरे पिता रोटी पकाने का ध्यान रखते हैं। और निश्चित रूप से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। केले के पत्ते की सूक्ष्म सुगंध के साथ स्वादिष्ट और पौष्टिक रागी रोटी का आनंद लें। आप इसे टमाटर अचार या नारियल चटनी
या अपनी पसंद की किसी अन्य चटनी के साथ खा सकते हैं। आशा है आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इस रेसिपी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना भी न भूलें। धन्यवाद।